हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी सरजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस के जो है क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं, और आपको मैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूं इस वीडियो में जो 100% एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 100% एग्ज़ाम में आए हुए हैं या वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में टारगेट करता हूँ रेलवे में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं और सीजीएल के पर्पज़ से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको जो है दोस्तों मैं कंटेन करता हूँ और उसके जो है आंसर आपको सरल शब्दों में प्रोवाइड कराता हूँ। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट तरीके से। दोस्तों, आप मेरे साथ अगर चैनल पर मेरे पहली बार जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको रेलवे एसएससी या फिर किसी अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो को बना के अपलोड करूं तो आप तक जो है दोस्तों नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम मिल सके, पहले पहुंच सके, तो आप मेरे वीडियो को अपडेट हो जाएंगे, तो आप तक अच्छे क्वेश्चन, मेरी कोशिश रहती है आप तक अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करने की। दोस्तों, आइए मैं अपने इस वीडियो में आपसे बात करता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस के उस क्वेश्चन की जो 100% एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे होंगे, आपको सीधे सीधे टॉपिक दिख रहा है समय और दूरी। जी हाँ दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस। आज मैं इस वीडियो में आपसे, मेरा ये वीडियो में बस पहला लेक्चर है, तो कहने का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से एकदम देखेंगे क्या इसमें जो है इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें किस की गति को मानना है, मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर में कैसे बनाना है, तो सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा और एकदम स्टार्टिंग वे से लेके आया हूं। इसमें देख रहे होंगे आप बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों, कुछ किसी भी चैप्टर में जाने से पहले आप कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जान जाएंगे तो बाद में आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे लिखा है, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा ज्ञात समय में चली गई दूरी अगर ज्ञात हो तो हम तीन चीज़ें वहां से निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं और समय निकाल सकते हैं और दूरी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम अगर किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा समय ज्ञात समय में चली गई दूरी ज्ञात हो तो हम उसके द्वारा चाल को निकाल लेंगे, समय निकालेंगे, दूरी। तो तीन पॉइंट आपको, और आप जो है इसको बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दूरी निकालना हो तो आप सीधे सीधे चाल गुड़े समय कर देते हैं, अगर समय निकालना हो तो आप यहाँ से दूरी बटा चाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता है। आपको अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो, जी हाँ दोस्तों, अगर क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी की बात किया है, जिसको हम सापेक्ष चाल भी कहते हैं या अपेक्षिक चाल, तो हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए पे आप समझिए, जब दो वस्तु एक ही दिशा में गतिशील हो तो सापेक्ष चाल क्या होगी। एक ही दिशा में, जैसे ये दोनों ए और बी एक पॉइंट से चलते हैं और एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी, रिलेटिव वेलोसिटी, वो होगी दोस्तों आपस में ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट होके इनकी जो है रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर पॉइंट ए की बात किया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इसको सीधे सीधे हम क्या करेंगे, आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर बी की बात किया जाए, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिशील हों तो अपेक्षिक चाल या रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। विपरीत दिशा में होने का मतलब वो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, एक ही दिशा में सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, विपरीत दिशा में ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ से देख रहे होंगे, अपेक्षिक चाल पहली की चाल प्लस दूसरी की चाल, कहने का मतलब ए की चाल बी की चाल, या फिर पहली कार है, बस है, ट्रेन है, तो इस तरीके से हम पहली गाड़ी और दूसरी गाड़ी को मान सकते हैं, तो उनकी चाल को आपस में ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपको सापेक्ष चाल निकालने के लिए समझने के लिए रहा। और नोट पॉइंट यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, आपके लिए नोट पॉइंट दे रखा है, लिखा हूँ, किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है आपको, तो आप सीधे सीधे 5/18 का गुणा कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप 5/18 का गुणा कर देंगे, आपको सीधे सीधे किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड में आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब किलोमीटर, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर जो है बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलना है, तो हम सीधे सीधे जो 5/18 है, इसमें 5 छोटा है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 18 बड़ा है। अगर हमें मीटर पर सेकंड से
किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर पर हावर में, तो हम क्या करेंगे, ये बड़ी यूनिट को ऊपर रखें, क्योंकि किलोमीटर बड़ी यूनिट है, तो हम किलोमीटर को ऊपर रखेंगे, तो यहाँ 18/5 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसके यूनिट को बदलने में, इस कॉन्सेप्ट से यूनिट को बदल सकते हैं। अब रही बात क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, तो आइए मैं क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों आप सीधे सीधे यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ, टाइप वन में मैं क्वेश्चन वन को रखा, जो कि हम पढ़ते चले आए हैं, जानते हैं, आसानी से हो जाता है। हालांकि ये मैं इसलिए यहाँ पे वीडियो में रखा हूँ क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ईजीएस्ट कभी कभी लोग नहीं पढ़ते तो छोड़ के चले आते हैं। यहाँ पे पर्पज ये है कि साइंस के स्टूडेंट तो ये वीडियो आसानी से करने का मतलब क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन कुछ आर्ट के बच्चे हैं जिसको मैथ से बहुत डर लगता है, या कहें मैथ के क्वेश्चन वो करते ही नहीं, तो उनके लिए भी ये एकदम आसान शब्दों में है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये ऑल इन वन है, जी हाँ दोस्तों, ऑल इन वन, कहने का मतलब सबके लिए एक जैसा है। आप इस वीडियो में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत टफेस्ट है, ये मतलब जो भी है न पढ़ने वाले स्टूडेंट, कहने का मतलब जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, मैथ से भाग रहे हैं, वो भी इस वीडियो में आसानी से समझ सकते हैं मैथ को। बस वो केयरफुली लिसन करें, बातों को सुने, क्या मैं बता रहा हूँ बस उसी बात को फॉलो करें, उनका भी आंसर आसानी से आएगा। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको दिमाग में रखने होंगे, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और कुछ इसके औसत के लिए, जैसे औसत चाल के लिए फार्मूले हैं 2xy/x + y, ये सर्वविदित है, अगर एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है तो वो डिस्टेंस सेलेक्ट किया, कहने का मतलब होता है कि या दूरी, एक बार गया फिर दूसरी बार गया तो दो, तो कहने का मतलब है। और उनकी चाल x/y और उसके बटे में जो है x + y, और ये दो से गुणा हो जाता है, तो सीधे सीधे उनकी औसत चाल हो जाती है, पूरी दूरी में वो कितनी चाल को तय किए। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, रमेश 30 किलोमीटर/आवर की चाल से स्कूल जाता है, 60 किलोमीटर की चाल से स्कूल से वापस घर आता है, लौट आता है, कुल यात्रा में औसत चाल बताएं। जी हाँ दोस्तों, आपको कुल यात्रा में औसत चाल है बताना है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे, सीधे सीधे औसत चाल को अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ से 2xy/x + y करेंगे, 2 × 30 × 60, और इन दोनों को ऐड करेंगे, 60 और 30 को तो 90 हो जाएगा, 30 × 90 कर सकते हैं, और यहाँ से 3 × 6 तो कहने का था 20, और ये 2 × 4 तो 40 किलोमीटर/आवर। तो 40 किलोमीटर/आवर की चाल से ये कहें इनकी औसत चाल होगी, तो कुल यात्रा में उनकी औसत चाल क्या होगी, आपको बता दिए कि 40 किलोमीटर/आवर। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहा, इसमें आपको हमें नहीं लगता कि बहुत प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या था कि दो की बात थी, यहाँ पे आपको 3 चाल दे रखा है, तब आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपको 3 करना है, और xy yz और zx को पेयरिंग करनी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसके सलूशन की बात करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल, जी हाँ दोस्तों 3 असमान चाल, जी हाँ दोस्तों इसमें 3 असमान चाल की बात किया है। तो इस वीडियो तो इस क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे कि 3 असमान चाल जो दे रखा है वो है 10, 15 और 12, 3 समान दूरी तय करता है। तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 12 किलोमीटर से 3 समान दूरी तय करती है या करता हो, तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल को पूछा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आप नीचे देख रहे होंगे, इसी फार्मूले में मैं रख के इसको सॉर्ट आउट किया हूँ। दोस्तों कुछ क्वेश्चन के विथ फार्मूले से ही आंसर दिए जाते हैं, उसके कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होते हैं, आप उसको फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक का मतलब फार्मूला आप बहुत, आपको अगर कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप बहुत जल्दी से एक आंसर दे देंगे फार्मूले में रख के। तो सीधे सीधे यहाँ पे बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 दूरियाँ हैं तो हमने 3 को पहले रखा, 10 उसकी चाल है, दूसरे की 15, तीसरे की 12 है, तो हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, xy चाल xyz तीनों चाल को, बाद में xy किया, फिर yz किया, फिर zx कर लिया। तो सीधे सीधे आप देख रहे होंगे 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12
यहाँ से अंश में रहा और यहाँ पे 10, अब सीधे सीधे 15 से मल्टीप्लाई होगा 150 आएगा, 12 15 से मल्टीप्लाई करेगा 180 आएगा और 12 10 से मल्टीप्लाई करेगा 120। तो इन दोनों को ऐड, इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 450। जी हाँ दोस्तों, आप ये पॉइंट देखिए, आप बस इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आया। सीधे सीधे जीरो को जीरो से आप काट सकते हैं, ये जीरो कट गया, उसके बाद ये 15 या 45 होगा, तीन तीन से कट जाएगा। तो ये जो 12 आपको मिला, यही 12 किलोमीटर पर हावर से इनकी जो है वेलासिटी हो जाएगी, या कहें एवरेज वेलासिटी होगी, औसत चाल होगी। दोस्तों आपको बहुत अलग से नहीं सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन में, आपको जितना हो सके क्वेश्चन पे ही आप सॉल्व करिए, ताकि आपका टाइम बच सके और आप दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर पाएँ और उसके आंसर को देख पाएँ। दोस्तों आइए, मैं इसके टाइप 2 को सेलेक्ट किया हूँ। ये टाइप आपको एग्ज़ाम में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें मैं सेलेक्ट किया हूँ क्वेश्चन, एक गाड़ी 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते रहिए और समझते रहिए क्वेश्चन का क्या रहा है। तो यहाँ सीधे सीधे कह रहा है कि एक गाड़ी 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी को क्रमशः 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर की गति से तय करती हो, तो गाड़ी की औसत चाल बताएं। एक बार फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए, एक गाड़ी 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी को क्रमशः 10, 20, 30, 60 किलोमीटर की गति से तय करती है, तो गाड़ी की औसत चाल, यहाँ पूछ रहा है औसत चाल, एवरेज वेलासिटी, जैसा कि अभी तक हम निकालते आए हैं क्वेश्चन में। तो इसमें भी वही करना है आपसे। तो दोस्तों इसके सलूशन पे आते हैं हम, यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये कह रहा है कि 3-3 किलोमीटर की दूरी 4 लगातार, कहने का मतलब 4 स्लोप में बनाया है। अगर मैं 3 किलोमीटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधे सीधे हमें 12 मिल सकता है, लेकिन आपको आसानी से समझने के लिए मैं लिख दिया हूँ 3-3-3-3, तो 4 स्लोप में बना लिया, कितने के 3 के, या कहें इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 12। यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं, हमको पूरी दूरी मिल गई 12 किलोमीटर। अब बात करते हैं कुल समय कैसे निकलेगा। पहले समय को, पहले 3 किलोमीटर को वो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरे 3 किलोमीटर को वो 20, तीसरे को वो 30 और चौथे को वो 60। तो चारों की जो है हम समय निकाल लिए। यहाँ से हमको पता भी है चाल बराबर दूरी बटा समय, अगर समय लेते हैं तो दूरी बटा चाल कर देते हैं। तो हम यहाँ से तीनों का समय निकाल रहे हैं, पहले का समय, दूसरे का समय, तीसरे का समय और चौथे का समय, इनको आपस में ऐड कर लेंगे, हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टोटल टाइम मिल जाएगा, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस, तो टोटल टाइम बटा टोटल डिस्टेंस, यही तो एवरेज वेलासिटी है। एवरेज वेलासिटी बराबर टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस, यहाँ से एवरेज वेलासिटी, सीधे सीधे आप समझिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये सीधे सीधे आप रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, हमने निकाल लिया टोटल दूरी 12 किलोमीटर और टोटल समय निकाला। इसको आप दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 36/60 आपको मिलेगा। ये आपका रहा समय, आप सीधे सीधे दूरी में ले जाके डिवाइड करा दीजिए। यहाँ पे आप औसत चाल देख रहे होंगे, औसत चाल आपको मिला 12 टोटल दूरी मिली और समय टोटल हमें मिला 36/18। इसको डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे ये 60 ऊपर जाएगा और ये 12 तिया ही 36 कर देगा और ये 3 2 6, तो कहने का मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ दोस्तों, 20 किलोमीटर पर आवर की जो है इसकी चाल होगी या गति होगी, औसत गति होगी, कुछ भी कर सकते हैं आप। ये दोस्तों पॉइंट आपको अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 3+3 था तो यहाँ पे इन तीनों के जो है एलसीएम 60 हो जाएंगे, इन तीनों के, तो इन चारों के एलसीएम 60 हो जाएंगे और 60 एलसीएम होगा तो ये 3 से डिवाइड होगा तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ से आप देखिए, ये रहा, इन तीनों का जो है एलसीएम 60 होगा, आपने 60 कर लिया। अब उसके बाद आपको 60 3 से डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, पहला पॉइंट हुआ। फिर ये 20, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 20 यहीं 60 और ये 3 3 का 9, तो 9 मिला।
यहाँ से फिर आप करेंगे 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो कहने का मतलब 30 से डिवाइड करेंगे आपको 2 मिलेगा, इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, और 60 से कट के 1 हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ जब इसको ऐड करेंगे तीनों पॉइंट को तो आपको 36 मिलेगा और ये 60 पहले से, ये रहा टोटल टाइम। तो ये बहुत रिजिट नहीं था, बहुत ज़्यादा टफेस्ट नहीं था, बस आसानी से एलसीएम निकाल के आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं, आप टोटल समय निकाल सकते हैं। दोस्तों आइए मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखता हूँ। ये टाइप 2 का पहला क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करा है, अब टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें भी औसत चाल दे रखा है, कुछ उससे हट के है क्वेश्चन। वहाँ पे जो है तीन तीन का स्लोप बना के तीन तीन किलोमीटर की चार लगातार दूरी को तय किया था। इसमें वो एक किसी एक दूरी को एक घंटे तक चला, किसी दूसरी दूरी को जो है दूसरे घंटे तक चलता है, किसी तीसरी दूरी को दूसरे स्पीड से तीसरे घंटे चलता है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्लियर हो जाए। राम श्याम तथा मोहन किसी यात्रा पर निकले, राम ने 50 किलोमीटर की औसत गति एक घंटे तक, श्याम ने 48 किलोमीटर पर हावर की औसत गति 2 घंटे तक, तथा मोहन 52 किलोमीटर की औसत गति 3 घंटे तक गाड़ी चलाई। पूरे सफर या पूरे यात्रा में आपको औसत गति बतानी है कि कितनी उसकी औसत चाल होगी। दोस्तों ये भी आसान है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान बस इतना रखना है कि राम की क्या आई दूरी, राम ने कितनी दूरी कितने घंटे में तय किया, श्याम ने कितनी दूरी कितने घंटे में तय किया, और मोहन कितनी दूरी को कितने घंटे में तय किया। अब इनकी अगर मैं कुल दूरी की बात करूँ, सोल्यूशन पे आऊँ, तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि कुल दूरी जो राम था वो जो है 50 किलोमीटर कहें एक घंटे में चला, तो 50 गुणे एक तो यही तो दूरी होती है। दूरी बराबर क्या होता है कि चाल गुणे जो उनकी चाल होती है, या कह दे वेलासिटी मल्टीप्लाई विथ आपको टाइम। तो टाइम उनका वो एक घंटे का है और दूरी उनकी कितने, उनकी चाल कितनी है 50। तो सीधे सीधे हम दूरी की बात कर रहे हैं, राम यहाँ पे 50 किलोमीटर से एक घंटे के लिए चला, और दूसरी बात श्याम क्या कर रहा है कि 48 किलोमीटर पर हावर की गति से 2 घंटे, तो हमने 48 मल्टीप्लाई 2 कर लिया, और जो है मोहन 52 किलोमीटर 3 घंटे, तो मोहन की मल्टीप्लाई हमने 52 × 3 कर दिया। तो इस तरीके से उनकी दूरी आ गई, 50 × 50 आ गया, 48 × 56 आ गया, और यहाँ से इसका 52 × 3 करेंगे तो आपको 156 मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल दूरी इनकी आ गई 302 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, टोटल डिस्टेंस हमें मिला 302 किलोमीटर। अब इस ये हमें टोटल डिस्टेंस मिल गया, कहने का मतलब डिस्टेंस। अब अगर हमें टाइम टोटल मिल जाए तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो निकल के आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हमें आसानी से मिल जाएगी। यहाँ दोस्तों अब हमें टोटल टाइम क्या है, हमें कह रहा है कि पहली बार 1 घंटे चला, दूसरी बार 2 घंटे, तीसरी बार 3 घंटे, इसको ऐड करेंगे आपको 6 मिल जाएगा, और इस 6 को ले आके यहाँ डिवाइड करा देंगे। जैसे ही डिवाइड कराएंगे 302 से तो आपको मिलेगा 50.3। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 6×5=30, 0 यहाँ आ जाएगा, 10 ये 20 होगा, और उसके बाद 6×3=18 तो नहीं लेते हैं, तो सीधे सीधे एक पॉइंट तक हम 10 लगा के इसकी वैल्यू इसको आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा। तो 50.3 किलोमीटर पर हावर इसकी जो है औसत गति होगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी औसत चाल क्या निकल के आई, 50.3 किलोमीटर पर घंटे। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन कहीं प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई एडवाइस देना है, सुझाव देना है, तो आपका वेलकम है, आप उसको कमेंट सेशन में डाल सकते हैं। मैं हो सकता है अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करूँ, या मैं अपनी बातों को और अच्छे से आप तक रख सकूँ। दोस्तों आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टाइप 3 के क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है आपको, दोस्तों यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे टाइप 3 मेरा है, टाइप 3 के फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट किया हूँ। सुबोध अपने घर से स्कूल की ओर 30 किलोमीटर पर हावर की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर की गति से लौट आता है। यदि उसे जाने और वापस आने में कुल 5 घंटे का समय लगा हो तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको टोटल डिस्टेंस वो कितना जो है चेस किया आने और जाने में।
तो आप क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे, मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ सोल्यूशन पे। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए सीधे सीधे इसके सोल्यूशन को, औसत चाल आप अभी तक निकालते आए हैं। कहने का मतलब जाने में वो 20 का समय लिया, आने में वो 20 का लिया, तो सीधे सीधे औसत चाल क्या मिलेगी यहाँ से, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30, 20, 50 हो जाएगा, और ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि 0, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5, 6, 30 ये 0 इसके 0 से मल्टी ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आप समझिए कि ये जो 0 है इस 0 से, और ये 5, 6, 30 और ये 6 × 12 सॉरी दोस्तों, यहाँ से फिर से आप देखिए ये जो है कि 0, 0 से कैंसिल आउट हो गया, इसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ये 5, 6, 30 हो गया, और ये 2 × 4, 6, 24। तो इस तरीके से ये पूरा पॉइंट सॉल्व करेंगे, आपको 24 किलोमीटर पर हावर इसकी एवरेज वेलासिटी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या मिली एवरेज वेलासिटी, 24 किलोमीटर पर हावर। अब कह रहा है इसके वापिस आने और जाने में कुल 5 घंटे का समय लगा। जी हाँ दोस्तों, टाइम आपको दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है टोटल दूरी क्या होगी, तो टोटल दूरी यहाँ से आप सीधे दोस्तों यहाँ से आपको टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस पूछा है, अब टाइम आपको देख रखा है 5, तो आप सीधे सीधे डिस्टेंस आपको पता है टाइम विथ मल्टीप्लाई वेलासिटी, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई वेलासिटी क्या है 24, आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 120। क्या है ये डिस्टेंस है तो किलोमीटर, 120 किलोमीटर पूरी इसकी क्या होगी दूरी होगी या कुल दूरी होगी। तो इस तरीके से ये आसान सा था। इसके सेकंड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा दोस्तों लेवल के क्वेश्चन है, या कहें टफेस्ट है, उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है, वो पूछा भी है क्वेश्चन, और आपको इस पर जो है थोड़ा सा अच्छे से दिमाग का टेंशन वे में देखना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। राकेश यात्रा के 2/3 भाग को, जी हाँ दोस्तों 2/3 भाग को 4 किलोमीटर पर हावर से तथा शेष हिस्सा को 5 किलोमीटर पर हावर से तय करता है पूरी यात्रा। जी हाँ दोस्तों, यदि पूरी यात्रा में उसे 42 मिनट का समय लगा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात करें। जी हाँ दोस्तों, तय की गई दूरी, यहाँ पे आपको पहले ये 4 किलोमीटर किसी भी दूरी को, जैसे अगर हम मान लें कि एक पूरी दूरी है, जी हाँ दोस्तों, अगर इसके इसके बीच की 1 किलोमीटर दूरी मान लें, तो कह रहा है इसके 2/3 भाग को वो 5 किलोमीटर हाफर से किया, फिर जो शेष बच गया तो 1 − 2/3 कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/3, 3 × 1 = 3, 2 घटेगा तो 1/3, 1/3 को वो किससे चलेगा 5 से चलेगा, ये दोस्तों 4 से चला है और ये दूसरी 5 से चला है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग जो इनकी वेलासिटी से अलग अलग पार्ट को चला है डिस्टेंस को, उसको पहले सॉल्व करके एक पार्ट में बना लेना, फिर हम आसानी से इसकी दूरी को निकाल लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2/3 यहाँ पे थे, सीधे सीधे आप देखिए 2/3 भाग को वो 4 किलोमीटर से चला, फिर एक भाग को कितने से चलेगा, तो इसी से हम डिवाइड कर देंगे, एक भाग को 4/2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो सीधे से 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 12/2, 2 × 6 = 12, यहाँ से 6, तो कहने का मतलब 6 किलोमीटर उसके 2/1 भाग को कितने में चलेगा 6 किलोमीटर पर आवर से, एक वेलोसिटी आगे कर रहा है। शेष भाग कितना होगा, शेष 1 से आप घटा देंगे तो आपको 1/3, इस शेष भाग को वो 5 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो एक भाग को कितने से चलेगा, तो सीधे सीधे 1/1/5, यहाँ 5 दे रखा है, तो 5, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5, 5, 15, तो कहने का मतलब 15 किलोमीटर पर आवर से दूसरे शेष बचे भाग को वो पूरा किया, उसके एक भाग को। अब अगर बात करें तो वहाँ से एवरेज वेलासिटी की, तो क्या निकल के आएगा, इनकी एवरेज वेलासिटी क्या आएगी, पता है आपको चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी आपको पूछ रहा है इसकी दूरी क्या आएगी, दूरी यहाँ निकालेंगे सीधे सीधे, आप दूरी अगर बात कर रहा है तो आप समय और इसको जो है चाल से मल्टीप्लाई कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपको दूरी जाके मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दूरी की, देख दोस्तों दूरी की बात है, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आप कपड़ा जाइए, ये तो एवरेज की बात होती है, ये एवरेज की बात है। अगर एवरेज वेलासिटी क्या होती है आपको पता है, 2xy / x + y मल्टीप्लाई, अगर मैं ये एवरेज वेलासिटी हो गई, अगर यहाँ पे दूरी की बात किया जाए, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर के क्वेश्चन हम सॉल्व करते आ रहे थे, तो उसमें क्या आ रहा था, डिस्टेंस बराबर एवरेज वेलासिटी थी मल्टीप्लाई विथ टाइम।
टाइम था, तो ये आपकी डिस्टेंस थी। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर, डिस्टेंस निकालना, इनकी वेलासिटी हो गई, ये वेलासिटी और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो सीधे सीधे हम डिस्टेंस निकाल, बस उसी फॉर्म में मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। यहाँ ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो आपको न समझ में आए। तो ये उनकी वेलासिटी, उसके बाद ये कह रहा है 42 मिनट का समय लगा हो, वहाँ 5 घंटे का समय ऊपर वाले क्वेश्चन में था, यहाँ 42 मिनट मिनट है दोस्तों। तो आप सीधे सीधे इसको घंटे में बदल लेंगे तो 42/60 कर लेंगे, आपका घंटा हो गया। तो यहाँ 6 × 15 6+5, तो सीधे सीधे इसको आप सॉल्व करेंगे, आप ये चीज़ को सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये 6 और 15 आपको जुड़ेंगे तो 21 मिलेगा, और ये आपको 21 × 42 और 15 × 60, अब आप जो है यहाँ क्या हो जाएगा 6/4, इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 3/2, 2 से डिवाइड करा देंगे तो 3/2, अब इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 1.5। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये 2 भी है, तो आप जो है 6×12 करेंगे, और नीचे आपका जो है कि 4 है, तो आप सीधे सीधे 12/4 करेंगे, तो आपको यहाँ से 3 मिलेगा। यहाँ आप सॉल्व करेंगे, आपको आसानी से आंसर 4 किलोमीटर मिल जाएगा, टोटल दूरी आपको 3 किलोमीटर मिल गए। तो यहाँ आप इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ऐसे मैं एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ यहाँ पे जो आप डायरेक्ट सीधे सीधे आंसर देंगे। ये कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी आपको निकालनी है। जी हाँ दोस्तों, ए और बी के बीच की दूरी आपको निकालनी है। इसमें कह रहा है उसके आधे भाग को, यहाँ पे मैं लिखा हूँ 1/2 भाग को 20 किलोमीटर की, शेष भाग को वो 10 किलोमीटर की गति से तय करता है, और इसको तय करने में उससे 6 घंटे का समय लग जाता है, जो समय दे रखा है 6 घंटे का। तो पूछ रहा है इनके बीच की दूरी क्या होगी, ए और बी के बीच की। सीधे सीधे ए और बी की बीच की दूरी आप देख पा रहे होंगे, 2 × आपको जो है 20, पहले 1/2 को चला, मतलब आधे भाग को, फिर उसके आधे भाग को, सीधे सीधे 2 भाग हैं, 1 भाग है तो 1/2 + 1/2, ये मिलकर आपका 1 भाग हो जाएगा। 1/2 को वो 20 से चला, अगले 10 से चला, तो कह रहा है इसको तय करने में इनको जो है टाइम डिफरेंस जो इनको लगा 6 घंटे में लगा, तो 6 घंटे दे रखा है। सीधे सीधे आप करेंगे तो यहाँ वेलासिटी विथ मल्टीप्लाई टाइम आप आंसर उसके टोटल डिस्टेंस को बता देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करिए, आपको अब सॉल्व करके दोस्तों इसको अगर लाएंगे तो आपको मिलेगा 80 किलोमीटर पर आवर। आपको देख भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं आसान तरीके से। यहाँ से आपको 0-0 से कैंसिल आउट कर देंगे, और ये 3×6, और सीधे सीधे ये 2×4, और 4×8, तो कहने का मतलब 80 किलोमीटर आपको टोटल दूरी मिली। यहाँ पे दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा टफेस्ट फॉर्म नहीं था, ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे आप तुरंत आंसर करके आएंगे। बस ये आपको ध्यान देना होगा, ये फैक्ट आपको समझ में आने चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ हो रही है। अगर आप इस चीज़ को समझ आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आंसर देने में आप कैपेबल हैं, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर मेरा 4 टाइप 4 है, क्वेश्चन 1 सेलेक्ट किया हूँ, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि एक बस पटना से दिल्ली 50 किलोमीटर की चाल से जाती है, एक दूसरी बस ठीक उसी समय पटना से दिल्ली 40 किलोमीटर से जाती है। यदि पहली बस दिल्ली पहुंचने में दूसरी बस की तुलना में 1 घंटा का समय ले, जी हाँ दोस्तों, तो पटना और दिल्ली के बीच की दूरी बताइए। यहाँ दोस्तों ये थोड़ा सा उससे हटके है क्वेश्चन जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे आपको भी दूरी पूछनी है, दो स्थानों के बीच की दूरी है, यहाँ पे अलग अलग चाल दे रखा है और उनके बीच जो है समय का अंतराल भी दे रखा है, तो कैसे हम उसकी दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से बहुत डरने की बात नहीं, ये भी क्वेश्चन सिमिलर है, बस क्वेश्चन आप समझिए और उसके आंसर को करिए। कह रहा है पटना टू दिल्ली, जी हाँ दोस्तों, पटना टू दिल्ली 2 बसें चल रही हैं। कह रहा है पहली की चाल जो है 50 किलोमीटर की चाल से गई, दूसरी बस ठीक उसी समय उसी साथ पटना से दिल्ली, जी हाँ दोस्तों, 40 किलोमीटर से जाती है। पहली बस दिल्ली पहुंचने में दूसरी बस की तुलना में एक
किलोमीटर घंटे का या एक घंटे का कम समय ले। जी हाँ दोस्तों, तो पटना व दिल्ली के बीच की दूरी बताइए। सीधे सीधे हम अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यदि समय का अंतर दिया हो तो यहाँ पे दे रखा है एक घंटे का कम समय ले रहा है तो समय का अंतर आ गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से उसमें दूरी निकालने के लिए ये फार्मूला आप लगाइए, आंसर पाइए। जी हाँ दोस्तों, दूरी बराबर चालों का गुणनफल अपन चालों का अंतर मल्टीप्लाई विथ टाइम, इनके टाइम डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको सीधे सीधे दूरी मिल जाएगी। तो हम पटना टू दिल्ली, जी हाँ दोस्तों, पटना से दिल्ली की दूरी ये दे रखा है 50 कूड़े 40, इनकी वेलासिटी अलग अलग है, इनको जोड़ेंगे तो 50 और ये मिलके, सॉरी दोस्तों, इनके चालों का अंतर, चालों को आप जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 50 माइनस 40 आ जाएगा 10, तो ये सीधे सीधे आपका हो जाएगा 40 कूड़े 50 कूड़े 40 बटा 10, 10 चौका 40, यहाँ से आपका 4 मिलेगा। और उनका जो है एक घंटे का अंतर है तो सीधे सीधे एक का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 चौका 20 और एक 0.7, तो 200 किलोमीटर की दूरी। जी हाँ दोस्तों, 200 किलोमीटर की दूरी पटना टू दिल्ली है। आप इसको देखिए और आसानी से समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इस फार्मूले में जैसे रखेंगे आपको आंसर मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें के एक फैक्ट जानने की चीज़ होती है, अगर आप कंसेप्ट जानेंगे तभी आप उसके साथ ट्रिप बना पाएंगे, तभी आप उसके कंसेप्ट को समझ पाएंगे और आंसर को आसानी से दे पाएंगे। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, कम अधिक देरी जल्दी, अगर ये सब क्वेश्चन में बात किया है तो वो अंतर समझिए आप। अगर कम जल्दी, एक घंटे कम समय लिया, एक घंटे अधिक समय लिया, एक घंटे जल्दी पहुंच गया, एक घंटे देरी हो गया, तो उनके टाइम अंतर, क्या कहें कि टाइम डिफरेंस को समझिए। सब जगह यही फार्मूले लगेंगे आपको, सभी में दूरी इसी फार्मूले से निकल के आएगी, तो आप आसानी से उसके आंसर दे पाएंगे। यहाँ दोस्तों टाइप 5 है, जो भी यहाँ पे टाइप 4 से एबव क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, सब SSC CGL और NTPC रेलवे और अदर जो एग्ज़ाम है उसमें आए हुए क्वेश्चन है, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन आया है दोस्तों, आपको कहीं एक भी डाटा नहीं बदला हुआ है, आपको ऐसे ही एज इट यही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन टाइप 5 का पहला है, जब राम 10 किलोमीटर की गति, जी हाँ दोस्तों, राम 10 किलोमीटर की गति से अपना स्कूल जाता है, या राम 10 किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है, तब 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब 10 किलोमीटर से जाता है तो अगर यहाँ कहें 10 किलोमीटर पर घंटे, जी हाँ दोस्तों, पर हावर, तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब कम समय लेता है, कहने का मतलब वो माइनस से कम समय होता है। जी हाँ दोस्तों, टाइम अगर उसको 10 पे पहुंचना था तो वो 9:50 पे ही पहुंच गया, तो ये 10 मिनट पहले की बात हो गई, तो ऐसा समझिए। यहाँ से दोस्तों आप पहले मिनट की बात किया, या पहले फर्स्ट स्टेप में राम कितने स्पीड से गया, कितना मिनट कम समय लिया। सेकंड थिंग क्या है, किंतु वह 15 किलोमीटर की गति से जाता है तब वह 22 मिनट पहले पहुंच जाता है, उसके घर से स्कूल की दूरी बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर स्कूल टू यहाँ होम टू स्कूल की बात किया है, घर से स्कूल की दूरी आप सीधे सीधे जैसे अभी मैं ऊपर करके आया हूँ वैसे ही आप टाइप, उसमें क्या था घंटे में अंतर दिया था, यहाँ पे मिनट में दे रखा है, और यहाँ 10 मिनट पहले पहुँच रहा है अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर से जाता है, और दूसरे में वो अगर 15 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 22 मिनट पहले पहुँचता है, तो सीधे सीधे आप यहाँ से इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। स्कूल से दूरी, ये इनकी स्कूल से दूरी सीधे से डिस्टेंस पूछ रहा है, डी बराबर आप कर सकते हैं 10 कूड़े 15, और इनके जो है चालों का अंतराल, तो सीधे सीधे 15 माइनस 10, और कह रहा है ये दोस्तों 22 मिनट अगर इस वेलासिटी से चला तो पहले पहुंचा, अगर 10 वेलासिटी से चला तो 10 मिनट पहले पहुंचा, तो इनके टाइम का डिफरेंस, बट ये तो मिनट में है तो इसको हम घंटे में बदल लेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ आप दोस्तों अगर 15 से 10 निकालेंगे 5 मिलेगा, ये अगर आप 22 से 10 निकालेंगे तो आपको 12 मिलेगा, आप यहीं डिवाइड करा सकते हैं, 12 25 60, और ये 5 यहीं 15, यहाँ आप देख रहे होंगे, और ये 5 2 10, तो सीधे सीधे आपको मिला क्या, ये 2 गुणे 3, तो 3 2 6,
तो 6 किलोमीटर आप देख रहे होंगे यहाँ पे आंसर आया। इनके स्कूल और घर के बीच की दूरी 6 किलोमीटर आई। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। दोस्तों यहाँ भी एक नोट पॉइंट आपको समझना है। नोट पॉइंट फर्स्ट में क्या है, यदि जल्दी और देरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन में सुनली बात किया है और देरी की, तो कहने का मतलब कि आपको अगर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, जल्दी और देर लग रही है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी और देरी के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, या देरी और जल्दी के में आप समय का अंतर ज्ञात करते वक्त उसमें जो है समय को जोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अभी क्या था कि जल्दी जल्दी पहुँचे थे या देरी देरी। अगर क्वेश्चन में कह रहा है जल्दी जल्दी, जैसे देरी देरी या जल्दी जल्दी, समय का अंतर ज्ञात करते हैं, करते समय समय को घटा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जल्दी का मतलब दोनों जल्दी पहुँचे थे, दोनों पहले पहुँचे थे, तो उसमें हमने क्या किया, समय को घटा दिया। अगर यही कहता कि राम 10 किलोमीटर से चला और वह दोस्तों अगर देरी देरी की बात करेगा और जल्दी जल्दी की, तो आप सीधे सीधे उसमें क्वेश्चन में घटा देंगे। अगर देरी जल्दी की बात करेगा तो आप जो है उसमें समय को जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या ये नोट पॉइंट का मतलब है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए कि 5 किलोमीटर की चाल से चलकर अंकिता अपने स्कूल नियत समय से 7 मिनट देर में पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, यदि वह 6 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती तो नियत चाल से या नियत समय से वो 5 मिनट पहले पहुंच जाती। जी हाँ दोस्तों, स्कूल व घर के बीच की दूरी बताएं। अब यहाँ पे एक बार वो चली तो पहले पहुंच गई और एक बार चली तो वो देरी में पहुंची, तो यही बात को आपको ध्यान देना है कि कितने मिनट वो पहले पहुंची, कितने मिनट बाद पहुंची। यहाँ कह रहा है कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से चलती है तो स्कूल वो 7 मिनट देरी से, कहने का मतलब पहुंचना था उसको 10 बजे, लेकिन वो 10 देरी तो मतलब 10+7 मिनट और, तो 10:07, तो 7 मिनट उसने और प्लस कर दिया, कहने का मतलब और ज़्यादा ले लिया। और दूसरे में कह रहा है कि वो 6 किलोमीटर हावर से चली तो 5 मिनट, जी हाँ दोस्तों 5 मिनट पहले पहुंच गई। तो यहाँ से पहले का मतलब आपको पहुंचना था 10 बजे, आप 9:55 पर पहुँच गए, तो 5 मिनट आप पहले पहुंच गए। तो ये पहले जो है 5 मिनट आपने कम समय लिया, तो घटने का मतलब कम समय लिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। वहाँ पे आपको कह रहा है कि उनके स्कूल और घर के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी आपको सीधे सीधे पता है, इनके जो है एवरेज डिस्टेंस आप सीधे से 5 × 6 करेंगे, 6 − 1 करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों इनके टाइम को क्या करेंगे, जोड़कर, क्योंकि कह रहा है देरी और सॉरी दोस्तों यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे ये स्टेप देखिए आप समझ जाएंगे, ये 5 × 6 और ये 6 − 5 और ये 7 × 5 का जुड़ेगा, ये मिनट में है, तो सीधे सीधे ये 60 से डिवाइड होकर घंटे में हो जाएगा। तो 12:25 या कह सकते हैं 60 को डिवाइड कर दिए, यहाँ से आप 5 × 6 = 30, तो यहाँ से 6 किलोमीटर आपको उनके जो है दूरी मिल गई, स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी मिल गई, 6 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, दूरी मिली आपको 6। अगला टाइप है दोस्तों टाइप 6, अरविंद 2 बजे दोपहर में रवाना होता है और पी से क्यू तक की दूरी 5 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करता है। गोपाल पी से 3 बजे दोपहर में रवाना होता है और क्यू की ओर 10 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है। गोपाल और अरविंद को कब पकड़ लेगा, या कहें गोपाल अरविंद को कब पकड़ लेगा। जी हाँ दोस्तों, वो कितने टाइम बाद गोपाल और अरविंद एक साथ हो जाएंगे, या कब उनको पकड़ लेगा, या दोनों कितने टाइम बाद एक दूसरे से मिलेंगे, बस यही ध्यान देना है दोस्तों। तो कहने का मतलब यहाँ समय आपको बताना है। पी और क्यू देख रहे होंगे, यहाँ पे पी और क्यू की बात किया है। अरविंद दोस्तों यहाँ 2 बजे चला, कितने की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर। गोपाल 1 घंटे बाद चला, 3 किलोमीटर पर आवर। तो 2 और 3 के बीच की डिफरेंस क्या निकल के आई, 1। जी हाँ दोस्तों, 1 इनके टाइम डिफरेंस आ गए। अब कह रहा है इनको पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो पकड़ने में कितना समय लगेगा, जो प्रारंभिक चाल है सीधे सीधे आप पकड़ने में लगा समय यहाँ से बता सकते हैं। और उसके बाद आप जो है उनके
चालों का डिफरेंस मल्टीप्लाई विथ 1, क्योंकि ये कह रहा है 2 और 3 बजे, तो 1 घंटे का सीधे सीधे घंटे में है ये टाइम। तो यहाँ से 5, 10 से 5 कटेगा तो आपको 5 मिलेगा, ऊपर 5 दे रखा है, 5 5 से कट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो 1 × 1 = 1 आया। तो ये सीधे सीधे 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद चला कितने पे था यहाँ से दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ये चीज आप समझ गए तो आप आंसर दे लिए। उसके बाद करा गोपाल अरविंद को 1 घंटे बाद पकड़ लेगा, गोपाल चला कब था 3 बजे, अब 3 बजे में 1 घंटे ऐड कर दीजिए तो 4 बजे। जी हाँ दोस्तों, टाइम से पूछेगा कितने बजे पकड़ लेगा तो आप बताएंगे 4 बजे, कितने घंटे बाद पकड़ लेगा तो आप बताएंगे कि 1 घंटे बाद। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में अगर 4 टाइम जो है टाइम में दे रखा है, कितने टाइम में पकड़ लेगा तो आप जो है इसको बताएंगे, और अगर कितने से बाद कितने समय बाद पकड़ लेगा तो 1 घंटे बाद, अब ये क्लॉक में दे रखेगा कितने बजे पकड़ लेगा तो आप 4 बजे बताएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके का है, इसके कुछ नोट पॉइंट है जिसमें आपको जो आपको ध्यान में रखने हैं ताकि अदर जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से इस बात को समझते हुए कर पाए। पीछा करने वाले संबंधित प्रश्न जिसमें पकड़ ले दूरी कितनी होगी क्या, तो उसमें पॉइंट ए दे रखा है, पीछा करने में लगा समय प्रारंभिक चाल चालों का अंतर गुणे समय। आप सीधे सीधे इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, इस फैक्ट को सॉल्व करेंगे आपको समय मिल जाएगा। अगर दूरी की बात कहा तो कितनी दूरी में कितनी दूरी तय करने के बाद पकड़ लेगा, तो या कितनी दूरी तय करेंगे ये एक दूसरे को पकड़ने में, तो सीधे से तय की गई दूरी अंतिम चाल जो होगी, यहाँ अंतिम चाल 10 थी, तो वहाँ पर अगर नए क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे रखता है तो उसका मल्टीपल। पीछा करने में लगा समय, यहाँ 2 स्टेप है, अब लास्ट चाल 10 थी, पकड़ने में इसको पीछा करने में लगा समय 1 तो 10 किलोमीटर बाद जाके उसको पकड़ लेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि दूरी कितनी तय करेगा और कितने टाइम बाद इसको पकड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आप मैं पढ़ रहा हूँ, एक चोर दिन के 1:30 या 1:30 से या कह सकते हैं 1:30 बजे गाड़ी चुराता है तथा 40 किलोमीटर की गति से चलाकर भाग जाता है। जी हाँ दोस्तों, दो चीज़ें निकल के आई, टाइम क्या है 1:30, भाग कितने से रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, आधे घंटे बाद। जी हाँ दोस्तों, 1:30 से वो गाड़ी चुराए, जस्ट आधे घंटे का मतलब 30 मिनट बाद, आधे घंटे का है या 30 मिनट, बज गया कितना 2 बजे। 2 बजे होता क्या है कि आधे घंटे बाद चोरी का पता चलता है तथा गाड़ी मालिक 50 किलोमीटर की गति से चोर का पीछा करता है शाम को कितने बजे। जी हाँ दोस्तों, शाम को कितने बजे कितनी दूरी पर वह चोर को पकड़ लेगा, यहाँ पे दूरी भी पूछ रहा है और आपको कितना टाइम कितने बजे पूछ रहा है, कितने का मतलब समय, कितने समय पे पकड़। यहाँ से दोस्तों आप समझिए, 1:30 पे गाड़ी चुराता है, आधे घंटे बाद मतलब 2 बज गया, मालिक को पता चलता है, पकड़ने में लगा समय, अभी जस्ट हमने ऊपर निकाला, पकड़ने में लगा समय, प्रारंभिक चाल क्या थी 40 और जो है इनके चालों का अंतर 10, 50 - 40 = 10, टाइम क्या है आधे घंटे बाद। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आपको 2 4 मिलेगा, 10 * 4 = 40 और ये 4 को डिवाइड करेगा तो 2, यहाँ से 2 घंटे बाद क्या 2 घंटे बाद पकड़ लेगा, तय की गई दूरी। जी हाँ दोस्तों, तय की गई दूरी, तो मालिक 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो मालिक द्वारा तय की गई दूरी 50 × 2 2 घंटे तक तो चला 50 × 100 सीधे 100 किलोमीटर की दूरी ये चलता है। तो गाड़ी मालिक, जी हाँ दोस्तों, गाड़ी जो है मालिक के द्वारा कहें 2 बजे तो मालिक चला था, 2 घंटे बाद पकड़ा तो 4 बजे पकड़ लेगा चोर को और 100 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा। जी हाँ दोस्तों, मालिक चोर को 4 बजे 100 किलोमीटर की दूरी पर जाके पकड़ लेगा। तो ये रहा दोनों आंसर, आपको दोनों ऑप्शन में दे रखे होंगे, आपसे पूछेगा कि 4 बजे 100 किलोमीटर ऐसे दे रखेगा, 4 PM लिखेगा, फिर ऑप्शन में आपको देगा 3 PM, उसके बाद 200 किलोमीटर, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखेगा, आपको बस यही ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, आपका आंसर सही है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है
दोस्तों, इस वीडियो में मेरे आज तक ये इतने टाइप सिक्स में जो है क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। अगले वीडियो में दोस्तों मैं इसके और जो है क्वेश्चन को लेके आऊँगा। दोस्तों, अगर आपको ये समझने में, अगर जितने भी क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई सुझाव देना है तो भी आप सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर आपको कोई नया नया क्वेश्चन है तो दोस्तों वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं अपना कोई अदर वीडियो SSC या अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहले मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आज आप कमेंट सेशन में हमें कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है आपको तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और आपको अगर कोई सुझाव देना है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। लास्ट तक दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।